बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि कुछ करना ही ज़रूरी है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ नहीं करना भी एक करना ही होता है। यानी कि कुछ नहीं करने का मतलब ये कि आप चुपचाप मौन और बिल्कुल आंख खोल कर किसी चीज को एज इट इज देख लेना भी एक करना ही होता है। अब मौन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अपने विचारों से मौन, यानी कि दिमाग में भी कुछ नहीं सोचना है, यानी कि कोई थॉट भी चलना चाहिए बट उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्व कीजिए कि क्या दिमाग में चल रहा है, क्या माइंड में हमारे कौन कौन से थॉट आ रहे हैं। अगर उस पर फोकस किए जाए तो बहुत सारा काम आसानी से बस ऐसे चुटकियों में हो जाता है। तो इस तरह भी जिसका मतलब कि ये एक अकर्म काम होता है, जिसमें मतलब कि कर्म की प्रधानता नहीं होती है बट ये भी एक कर्म ही है। तो अगर आप शांति से बिल्कुल आराम से अपने बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं तो भी एक सोल्यूशन निकलता है। हमेशा कुछ ना कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करने के बारे में ही सोचते हैं। मगर ऐसा नहीं है, अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं तो भी कुछ कर रहे होते हैं। इसलिए अकर्म भी एक कर्म का ही पार्ट है। जैसे कि मान लीजिए खाना ज़रूरी है लेकिन नहीं खाना भी उतना ही ज़रूरी है हमारे पेट के लिए, हमारे शरीर के लिए। ठीक उसी प्रकार कुछ करना ज़रूरी है लेकिन कब करना है, कोई भी काम को कब किया जाए ये ज़रूरी है। इसको अगर हम लोग प्रायोरिटाइज कर लिए कि कौन सा समय पर कौन से काम करना है तो बहुत सारे हमारे काम आसान हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कि सुबह अगर आप उठते हैं तो दिमाग में ये चलता रहता है कि नेक्स्ट क्या करना है, अब क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, यानी कि पूरे दिन भर का प्लानिंग हमारे माइंड में सुबह से ही लगातार चलता रहता है। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो उस समय हमें कम से कम 5 या 10 मिनट तक बिल्कुल मौन होकर खुद को ऑब्जर्व करें तो जितने भी सारे हमारे कार्य हैं वो निर्धारित हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, और हम बहुत ही आसानी से खुशीपूर्वक आनंदमय होकर वो सारे काम कर जाते हैं जो हमने प्लान किए होते हैं। और एंड ऑफ द डे होता क्या है, एंड ऑफ द डे होता है कि हमारी मन खुश हो जाते हैं कि हाँ आज हमने सारे काम यथापूर्वक कर लिए। तो इस तरह भी आदमी का यानी कि इंसान का काम आसान हो जाता है। तो ये ज़रूरी है, सबको करना भी ज़रूरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सुबह उठते हैं और लग जाते हैं पढ़ाई करने में, मगर कंसंट्रेशन का क्या, हमेशा कंसंट्रेशन बनता नहीं है, बनाया भी जाता है। तो कंसंट्रेशन बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम खुद को ऑब्जर्व करें 5 मिनट या 10 मिनट तक, खुद पर टाइम वेस्ट करें। टाइम वेस्ट नहीं होता है यहाँ पे,
यानी कि टाइम वेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस समय हम लोग कुछ नहीं कर रहे होते हैं, और जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो हमारा माइंड और हमारे जो समाज का चाल चलन है वो लोग का मतलब होता है कि टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं होता है, ये एक खुद का ऑब्जर्वेशन होता है, खुद पर काम करना होता है। तो इस तरह अपने माइंड पर भी काम करना ज़रूरी है। माइंड से तो हम हमेशा काम करते हैं लेकिन माइंड पे कभी काम नहीं करते हैं। तो इस तरह मतलब कि माइंड पे काम करना भी ज़रूरी है। तो माइंड पे काम करने का मतलब यही हुआ कि खुद पर, यानी कि अपने माइंड में क्या चल रहा है उसको ऑब्जर्व करना, और बारीकी से एक पर्दे को हटाकर दूसरे पर्दे को हटाना, मतलब कि बारीकी से अपने विचारों को ऑब्जर्व करते रहना। हमारे जो थॉट है वो तो हमेशा आते ही रहते हैं, एक दिन में कम से कम 60,000 तक थॉट आता है जिसमें से 90% नेगेटिव होता है। तो अगर हम अपने थॉट को अच्छे से कंट्रोल तो नहीं बोलेंगे, ऑब्जर्व बोलेंगे, क्योंकि थॉट को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं और थॉट कंट्रोल होता भी नहीं है। तो थॉट कंट्रोल नहीं होता है और माइंड कंट्रोल नहीं होता है, बस माइंड को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है और हम हंसी खुशी आनंदमय अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए जब सुबह उठिए तो कम से कम 5 या 10 मिनट तक खुद पर टाइम इन्वेस्ट कीजिए, खुद पर ऑब्जर्व कीजिए, तो आपकी ज़िंदगी आनंदमय, सुखमय और हंसी खुशी व्यतीत होगी, पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा।